तो ठीक है, इससे देखने से पहले हम कुछ चैनल के बारे में बात करते हैं। तो यार ये चैनल स्पॉन्सर्ड है, स्पॉन्सर और आप कह लो ऑर्गेनाइज बाय न्यूटन स्कूल है। तो यार न्यूटन स्कूल एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको हेल्प करती है टू गेट ड्रीम जॉब इन द आईटी इंडस्ट्री। सपोज यू आर फाइंडिंग जॉब बट आपको DSL को आपने नहीं कर रहा है, अपनी कोडिंग आपको नहीं आती है, ठीक है, तो आप क्या करो, इनकी वेबसाइट पर जाओ, यू जस्ट हैव टू रजिस्टर इन देयर कोर्सेज एंड आफ्टर गेटिंग योर जॉब आपको अपनी सैलरी में से पे करना है। हाँ जी, आप यू डोंट हैव टू पे इन एनी अमाउंट इन द स्टार्टिंग। आफ्टर व्हेन यू गेट अ जॉब यू हैव टू पे फ्रॉम योर सैलरी। एंड इफ यू आर फीमेल कोडर तो आपके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे पर्क्स हैं, तो आप डेफिनेटली चेकआउट करिए। मैं सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दे रहा हूँ। और यार इनका एक फुल स्टैक का कोर्स अभी लॉन्च हुआ है जनवरी में, तो आप वो भी चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो काफी अच्छा कोर्स है, आप चेकआउट कर लो। मैं सारे लिंक्स जो भी इनके लिंक्स है, वेबसाइट का लिंक, कोर्सेज का लिंक है, इनके जो भी, मैं सारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो फिलहाल अब चलते हैं, ये था आपका इंट्रोडक्शन अबाउट न्यूटन। तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो हम देखने वाले हैं यार एक कोडिंग एक्सटेंशन के बारे में। तो कोडिंग बोलो या फिर कॉन्टेक्स्ट एक्सटेंशन बोलो इसको आप, ठीक है। तो अगर आप नाम देख सकते हो कोडिंग बड़ी है। अब ये एक्चुअली क्या करता है, हम इसको क्यों यूज करते हैं, तो सब मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसे क्या होता है कि सपोज कि यू आर अ बिगिनर इन कोडिंग और आपको बहुत सारे आप चाहते हो कि कॉन्टेस्ट वगैरह दो, आप प्रैक्टिस करते रहो, बट आपको क्या होता है यार डेट याद नहीं होती कि मतलब सपोज आज कौन सा कॉन्टेस्ट है, आगे वाला कॉन्टेस्ट कब आ रहा है, लेवल क्या है कॉन्टेस्ट का, डिप 3 का है। अगर आप कोडसेप पे जाओगे देने के लिए तो वहाँ पे लेवल्स होते हैं, डिविजन होते हैं, डिप 3 होती है, डिप 2 होते हैं, डिप 1 होते हैं, ठीक है। बट आपको याद ही नहीं है कि यार ये कौन सा कॉन्टेस्ट है, डिप 3 का है, डिप 2 का है, डिप 1 का है, या फिर डिप 3 का कॉन्टेस्ट कब होने वाला है, या फिर अगर डिप 2 का हो रहा है तो कब होगा डिप 2 का कॉन्टेस्ट, तो आपको ये याद ही नहीं है, ठीक है। तो आपको याद नहीं है बट आप चाहते हो ना कि कॉन्टेस्ट दे पाओ, और आपको सबसे दिक्कत है कि हमें याद ही नहीं रहता है कि कॉन्टेस्ट कब हो रहा है। हमें इसलिए क्या करना पड़ता है, बार और वेबसाइट पे जाकर चेकिंग करना होता है कि अच्छा ये कॉन्टेस्ट आज है, ये कॉन्टेस्ट 12 को है, 10 को है, ये देखना पड़ता है। अगर देखते हैं फिर उसके बाद क्या होता है, उसको भूल जाते हैं, और या फिर वो दिक्कत की अगर देखा आपने अब वो भूल गए, तो एक अलग सा रेगुलेट हो पाता है कि यार हमने देखा और हम कॉन्टेस्ट नहीं दे पाए, ठीक है। तो यार कोडिंग बड़ी एक्सटेंशन क्या करता है, सपोज कि आज LeetCode का आप कॉन्टेस्ट देने गए और वहां पे आपको पता नहीं बाइवीकली कब है, तो आप इस एक्सटेंशन को क्लिक करो, आपको ना क्या होगा दिख जाएगा कि अच्छा बाइवीकली वाला कॉन्टेस्ट 12 को है, या फिर जो वीकली वाला कॉन्टेस्ट है वो 13 को है, टाइमिंग क्या है तो 8 से 10 है। मैं एक सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अच्छा ऐसे हो सकता है। टाइमिंग क्या है तो 8 से 9:30 है, ठीक है। वीकली वाला का मान लो यहाँ से 10 से 12 दिया गया, तो सारा कुछ दिया रहेगा। ये तो हो गया LeetCode वाला, कि ये हो गया सपोज कि ये अपकमिंग वाला, ठीक है, अपकमिंग वाला में आता रहेगा, अपकमिंग में दिख जाएगा कि हाँ ये कॉन्टेस्ट आने वाला है। और यहाँ पे एक दो सेक्शन है, ये सबसे पहले होता है लाइव कॉन्टेस्ट, जो भी कौन कौन से कॉन्टेस्ट चल रहे हैं उनके सभी का लिस्ट रहेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली इन्होंने सारे सारे कोडिंग वेबसाइट से इन्होंने टाइप किया हुआ है, टाइप मतलब मैं बोल रहा हूँ उन्होंने सारे कोडिंग वेबसाइट के कॉन्टेस्ट वाला डेटा इन्होंने फेच कर लिया है इस एक्सटेंशन के थ्रू, और आपको बताते रहे कि हाँ इस आज ये कॉन्टेस्ट है, आने वाले फ्यूचर में, आने वाले वीक्स में ये वाला कॉन्टेस्ट आने वाला है। तो HackerEarth का आपको मिल जाएगा, HackerRank का भी मिल जाता है कभी कभी, और HackerRank का मुझे कंफर्म नहीं है बट HackerEarth का मिल जाएगा, LeetCode का मिल जाएगा, CodeChef मिल जाएगा आपको, CodeChef और क्या है आपको LeetCode हो गया, CodeChef हो गया, उसके बाद क्या हो गया Codeforces हो गया, Codeforces हो गया, HackerEarth, LeetCode, Codeforces, CodeChef, ठीक है। ये देखो आप यहाँ पे, और एड कोटर वगैरह है, ठीक है। तो इसको ये हो गया, और आपको यहाँ पे मतलब प्रोजेक्ट में कौन सा है, उसका लेवल क्या है, जैसे CodeChef की बात करूँ तो लेवल क्या है, डिप 3 का है, डिप 2 का है, फिर डिप 1 का है, Codeforces में कौन सा है, कौन से डिवीजन है, वो सारे आ जाएंगे। जैसे हम देखते हैं, जैसे ये देखो आप, ये तो इन्होंने कोई वीडियो वगैरह दिया है, देख लेना आप चाहे तो। देखो यहाँ पे है, मैंने बताया कि आते हैं लाइव कॉन्टेस्ट, ये हो रहा है अभी, लाइव कॉन्टेस्ट में कौन कौन से कॉन्टेस्ट लाइव चल रहे हैं, ये है, और बाई वीकली में कि कौन अपकमिंग में कौन कौन से कॉन्टेस्ट आने वाले हैं। और देखो HackerRank भी यार, देखो ये ना ये सारे यहाँ इन्होंने इतने चैनल से डेटा फेच किया हुआ है, इन्होंने डेटा फेच कर लेते हैं, ठीक है। तो इतना कुछ होता है, और बहुत सारे प्रोग्रामिंग के लिए कहाँ कौन सा यूज कर सकते हो, ठीक है, ये सब है। तो देखते हैं इसका, और इसका जो एक्सटेंशन का ना, इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहां से देख लेना। अब चलते हैं सीधा एक्सटेंशन की तरफ। तो मैंने यहाँ से लिया एंड मैंने यहाँ से ओपन किया। अगर आप देख सकते हो मेरे पास बहुत सारे एक्सटेंशन है जो मैं यूज करता हूँ, तो इसके लिए मैं कोई अलग से वीडियो मैं कभी बना दूंगा इन फ्यूचर। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट डाउन कर देना इसके लिए। तो फिलहाल हम जिसकी बात कर रहे हैं हमारा ये है। तो देखो मैंने इसको ओपन किया एंड देखो अभी लाइव कॉन्टेस्ट में बहुत सारे अभी जो लाइव चल रहे हैं ये सारे कॉन्टेस्ट है। HackerRank का कोई बैकएंड का चैलेंज, हायरिंग चैलेंज चल रहा है, तो 6 बजे से लेकर रात के 11:55 तक है, ठीक है, वो है। लेकिन ये 6 बजे तक ये स्टार्ट कब हुआ था, देखो इसका स्टार्ट टाइमिंग ये ना, ये जो आपको फर्स्ट में दिख रहा है, ये आपका स्टार्ट टाइमिंग है और आपका एंड टाइमिंग, मतलब ये कॉन्टेस्ट कब स्टार्ट हो रहा है, डेट यहाँ लिखी है और ये टाइमिंग है। 14 जनवरी को स्टार्ट हुआ था, ये 14 जनवरी को स्टार्ट हुआ था और ये खत्म हो रहा है 30 जन को, ठीक है। ये है आपका, ये सब दिया गया यहाँ पे, ठीक है। और ये क्लेवर टॉपोग्राफर, फ्रंट एंड इंजीनियर, ये सब बैक मतलब ये सब अभी लाइव चल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखो अपकमिंग वाला, मतलब देखो लीटकोड का बाई वीकली कॉन्टेस्ट होने वाला है, 22 जनवरी को होने वाला है और रात के 8 बजे स्टार्ट होगा और 9:30 में खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। वीकली कॉन्टेस्ट आने वाला है रात के 23 तारीख को है, रात के सुबह के 8 बजे स्टार्ट होगा और 9:30 में खत्म हो जाएगा। ये कोडचेफ का है, कोड टू स्कोर कोई है, ये 26 को आने वाला है, 7 बजे स्टार्ट होगा, 8:30 में खत्म हो जाएगा। ये कोडचेफ का डिप 3 वाला है, 8 बजे स्टार्ट होगा और 11 बजे खत्म हो जाएगा। ये हो गया। इसके बाद क्या है यार, देखते हैं। ये देखो कोडफोर्सेस आ गया, फिर आपका ये कोडफोर्सेस आ गया। अभी आई थिंक हैकर रैंक वगैरह का नहीं होगा। ये देखो एट नीचे देखो तो आप एट क्वार्टर भी आ गया, यहाँ पे देखोगे तो एट क्वार्टर भी आ गया। आई थिंक अभी हैकर रैंक में कोई कॉन्टेस्ट नहीं हो रहा है, इसलिए कोडफोर्सेस आ गया, हैकर रैंक, हैकर कोड है। ये देखो हैकर रैंक का यहाँ पे है। सर्विस नाउ का जो कॉन्टेस्ट हो रहा है फॉर गर्ल्स फीमेल कोडर के लिए, ये फीमेल कोडर के लिए है, सर्विस नाउ का है, वुमेन कोड टू विन। ठीक है, उनका ये कॉन्टेस्ट यहाँ पे है, उनके लिए यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे हैं। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा तो काफी ज्यादा हेल्पफुल है यार। ठीक है, तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस डाउनलोड कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना और कोई भी डाउट हो तो कमेंट डाउन कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच।